Assalamualaikum, welcome back to Yasmin's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन से बना हुआ झटपट सा 5 मिनट में बनाएंगे शवरमा। आइए दोस्तों बनाना स्टार्ट करेंगे। आज हम बनाएंगे रूमाली रोटी से बनाएंगे चिकन शवरमा। ये रूमाली रोटी मैंने बना के रख दिया था, वीडियो ना बड़ी हो जाए इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। रूमाली रोटी से झटपट से बनाएंगे चिकन शवरमा, आप जरूर ट्राई कीजिए। आइए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कैरेट, 1/2 कप कैबेज को, सारे वेजिटेबल 1/2 कप लिया है, इसे लंबे में कट कर लिया है, इन सारे वेजिटेबल को इसमें डाल देंगे। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इसी में अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रख देंगे मिक्स करके। 100 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस चिकन, इसे अच्छी तरह से मसाला लगा के, चिकन मसाला लगा के फ्राई कर लिया है, इसे क्यूब की तरह इस तरह से फ्राई करके कट कर लिया है, इसे साइड में रख देंगे। 1 कप मेयोनीज लिया है, 1 कप टमाटो सॉस लिया है, तरह से एक बटर पेपर लिया है, इसमें इस तरह से रूमाली रोटी डाल देंगे, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की ओर, दोनों साइडों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे ऊपर की ओर रख देंगे। अब मेयोनीज लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। टमाटो सॉस डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब वेजिटेबल रख देंगे इस तरह से, इसी में आप चिकन ऐड कर देंगे। मेयोनीज डाल देंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे रोल कर लेंगे, इस तरह से टाइट सा एक रोल बना लेंगे। बटर पेपर लिया है, इस तरह से रख देंगे, इसे अंदर की ओर टाइट सा एक रोल बना लेंगे। इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से एक एक करके सारों को बना लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से एक एक करके सारे बना लिए हैं। ये सूप तैयार रखने से झटपट सा तैयार हो जाता है, आप जरूर ट्राई कीजिए, ये सबको अच्छा लगेगा। आप बाजारों वाला जैसा घर में ही बना सकते हो, होममेड सबके लिए हेल्दी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।